रेस 3 का ट्रेलर आ गया, सबसे पहले तो आप वो लगा दो यार। क्या बात कर रहे हो, रेस 3 का ट्रेलर? हाँ आज ही तो आया है। ऐसा? मैं तो ऑफिस से इसलिए जल्दी आ गई कि देखना है मुझे। ट्रेलर देखने के लिए जल्दी आ गया? और नहीं तो क्या। अच्छा रिएक्शन देना है क्या उसका? एग्जैक्टली। ओके चलो तो रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। हाय कौन? मुझे नहीं जानते। हाँ ये है दीप्ति और मैं हूँ विकास। हम लोग टॉप रिपोर्टर्स हैं और हम लोग आज ट्रेलर रिएक्शन देने वाले हैं। किसका? रेस 3 का। आज रिलीज हुई है मतलब उसका ट्रेलर रिएक्शन। ओके तो नहीं, रेस 3 रिलीज नहीं हुआ है ना, ट्रेलर ही रिलीज हुआ। हाँ बस ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, उसी का रिएक्शन देने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है उसका रिएक्शन। ओके ये रहा, लेट्स स्टार्ट। ये रेस सलमान खान ऑन स्टार्टिंग। किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। कौन कौन है वो तो देखेंगे। इसका डायलॉग सुने, परिवार के लिए समथिंग समथिंग कुछ बोलता है ना। परिवार के लिए जान भी लेनी पड़ी तो, परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े, लेनी पड़े, मैं सोची देनी पड़े। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया एंड नॉट गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री। अनिल कपूर। अनिल कपूर, ओह माय गॉड। आपकी फेवरेट ही है ना? फेवरेट, फेवरेट ही है। हमारे बिजनेस पे कोई, ये कौन है? वो हमें पता जैकलिन ही है ना? नहीं नहीं ये डेजी शाह है। None of your business. None of your business. आपको मोनो दिखते भी हैं? ये? नहीं मुझे तो लगा आप ब्लू आइड बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं। सिक्कू। I'm sick of this sicko dad. ये कौन है? हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो, बॉबी देओल बिजनेस करता है। हमेशा क्लीन शेव में ही दिखता है। यहाँ पे रोकना कौन कौन है? ये अनिल कपूर हो गया। अनिल कपूर ये भाई बंदा हो गया, क्या नाम है इसका? देखते हैं चलो इसको। और ये तो आपका बॉबी देओल हो गया है, जैकलिन और डेजी शाह। अच्छा यही डेजी। फैमिली। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। ईद को आ रही है, आई मीन ईद में आ रही है। ये क्या है? बॉबी देओल को ऐसे ही खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा है कंपटीशन हो रहा है किसकी बॉडी। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है। चलो जो भी है ठीक है, बढ़िया है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है बॉबी देओल ऐसे लुक में। नॉट एक्सपेक्टेड। ये इसके पहले उसने क्या पहन रखा है? ये तो सुपरमैन टाइप क्या पहन रखा है? हाँ सुपरनैचुरल पावर्स देने की कोशिश की जा रही है ऐसे। ये था ट्रेलर आपका रेस 3 का।
रिलीज़ हो गई है, आज ही रिलीज़ हुई है ऐसा सुनने में आया, और मूवी जो है इस ईद में रिलीज़ होगी। अब सलमान खान है तो जाहिर सी बात है ईद को तो वो ऑलरेडी रिजर्व करके पहले से ही रखता है, ईद में वो रिलीज़ कर रहा है। नई चीज़ मूवी में देखने मिली कि अनिल कपूर, हाँ अनिल कपूर है और वो एक्शन कर रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी रोल्स में था पिछली कुछ मूवीज़ में, अभी फुल एक्शन में नजर आएगा लग रहा है ट्रेलर से। हाँ, अब फुल मूवी में पता चलेगा कि एक्चुअल वो एक्शन है कि कॉमेडी। और नई चीज़ एक ये भी है कि बॉबी देओल इस मूवी में, बॉबी देओल और उसको कुछ मतलब नए तरीके से पेश किया गया है, लेट्स सी कि क्या है। लेकिन वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मारपीट के रख दिया यार वहाँ पे, वो जो सीन आपने देखा अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हैं। हाँ, और उठ के आपके ऊपर डिपेंड है वो ऑडियंस कैसे उनको मतलब एक्सपेक्ट कर दिया। चलिए तो ये था आपका ट्रेलर, ठीक है। इसमें हाँ एक्ट्रेस के बारे में बताऊँ तो जैकलिन फर्नांडिस, बुरा मत माना तो जैकलिन फर्नांडिस है, सीज जो भी है मैं नहीं बोलता, ठीक है सॉरी और उसके बाद डेजी शाह, दोनों वो दोनों भी एक्शन कर रहे हैं। हाँ जैकलिन फर्नांडिस तो मस्त लग रही है, एक्शन करती हुई नजर आ रही है, और एज ऑलवेज बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही है, बहुतों की फेवरेट भी है ऑब्वियसली जैसे कि आपकी, ठीक है। हाँ हाँ तो ये रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है, 15 जून को रिलीज होने वाली है, जून को मतलब इसी मंथ, इट्स मे ना, ओ सॉरी नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं लगभग महीने भर बाकी है, 15 मई और 15 जून को रिलीज होने वाला है। हाँ तो पूरे एक महीने हैं बाकी, तो एक महीने तक इंतजार कर सकते हैं, और तब तक ट्रेलर देख के ही काम चलाइए, तब तक ट्रेलर देखिए एंजॉय कीजिए और ट्रेलर को, और काफ़ी कुछ है मेरे ख्याल से मूवी में। और हाँ एक चीज़ और, आतिफ असलम का जो गाना है वो कौन सा गाना था थोड़ा सा पहले देखें हम लोग, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तो ये वाला गाना ठीक है बाद में आराम से तो ठीक है, तो ये गाना आतिफ असलम फिर से इस मूवी में गाने वाला है, तो ऐसा सुनने में आया है, लेट्स सी कि गाता है या नहीं, अच्छी बात है अगर गाया हो तो। हाँ उस गाने को दूसरे तरीके से पेश करने वाले हैं मूवी में, और सलमान खान इस मूवी में एज मतलब एज एन एक्टर, और एक्शन तो उसका रहता ही है, पूरी मूवी पूरी एक्शन से भरी हुई है, और स्टोरी भी है, स्टोरी में शायद फैमिली को उन लोग कहीं इंक्लूड किए हैं, अब वो शायद एक टीम है कि फैमिली है मूवी में, मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। हाँ ऐसा डायलॉग्स भी है वो कि वो जान भी ले सकते हैं किसी के, ठीक है तो जान दे सकते हैं सुना, जान ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं या ठीक है, तो आप लोग भी देखिए ट्रेलर देखिए और लेट्स सी कि मूवी कैसा होता है। टिल देन हम मिलते हैं, आप भी अपने रिएक्शंस हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप भी रिएक्शंस वगैरह देख रहे हैं ट्रेलर देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स हमारे वीडियोस के नीचे में जो रहता है वहाँ पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए ट्रेलर या, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।